नमस्कार दोस्तों, अक्सर आप ये कहते हैं कि सर मेरी एज बहुत हो गई है, क्या मुझे यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी चाहिए, या मेरी एज बहुत कम है, मुझे यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। कई बार ये लगता है कि सर मेरे सामने ये बहुत दिक्कतें हैं, मुझे यूपीएससी की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए, या जो मैंने लाइफ में सपने देखे हैं उनको मुझे कब पूरा करना चाहिए। दोस्तों आपसे मैं एक बात कहूँगा, सक्सेस कम टू दोज हु डेयर्स टू बिगिन। ये जो सफलता होती है केवल उन्हीं को नसीब होती है, उन्हीं के हिस्से में आती है जिनके पास शुरुआत करने की हिम्मत होती है। शुरुआत चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो अपने आप को बदलने की हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन की हो, या अपने लाइफ को किसी भी अन्य हिस्से में लेकर जाने की हो। अगर आपके पास शुरुआत करने की हिम्मत है, अगर आपको इनिशिएशन लेने की हिम्मत है, तो दुनिया में जो आपकी किस्मत है वो आपके हाथ आएगी। तो आप जिस भी मोड़ पर हो, चाहे आपकी एज कम हो, चाहे आपकी एज ज़्यादा हो, कई बार ये क्वेश्चन आते हैं कि सर 30 साल उम्र हो चुकी है, 32 साल मैक्सिमम एज है, तो क्या हम तैयारी कर सकते हैं। आप एटलीस्ट कोशिश तो करिए, एक ईमानदार कोशिश आपको आपकी सफलता तक लेकर जा सकती है। और तमाम ऐसे एग्जांपल हैं जिन्होंने अपने अंतिम प्रयासों में या अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर सफलता हासिल की, या तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, चाहे उनका शरीर ना काम कर रहा हो, चाहे उनके हालात उनके पक्ष में ना हो, चाहे बेहद गरीबी हो और चाहे लोग उनका विरोध कर रहे हो, इन सभी चीजों के पश्चात भी उन्होंने सफलता अर्जित की है और विश्व आगे देखता रहेगा कि वो सफलता अर्जित करते रहेंगे। सवाल है कि आप अपनी शुरुआत कब करते हैं। अगर आपके अंदर शुरुआत करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, आपके अंदर शुरुआत करने की वो इच्छा शक्ति है, लगन है, एक योजना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात एक ज्वलंत डिजायर है आपके अंदर, तो आपको आपकी सफलता तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। और हमेशा से इस बात को प्रमाणित किया है मानवता ने। तो दोस्तों अगर आज आपको सक्सेस के लिए अपनी प्रिपरेशन करनी है तो ये वक्त आ गया है अपनी शुरुआत करने का, ये वक्त आ गया है एक शुरुआत को एक उड़ान देने का है। तो आप जहां पर भी जिस परिस्थिति में हो, जिस भी हालत में हो, बहुत लंबी प्रतीक्षा मत करिए। कई बार हम इंतजार करते रह जाते हैं और हमसे सफलता दूर हो जाती है। कबीर दास जी ने इस बात को बहुत अच्छे से कहा है कि जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मैं बकुरा बुड़न डरा रहा किनारे बैठ। तो जिसको मोती निकालना है उसको गहरे पानी में डूबना ही पड़ेगा, उसको छलांग लगानी ही पड़ेगी। तो अब वक्त आ गया है कि एजम्पशंस करने की बजाय, इस डर को फेस करने की बजाय जो आपके सामने डर है कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, जस्ट डू इट, जो नाइकी का टैगलाइन है, जस्ट डू इट, शुरुआत कर दीजिए। और जब आप इस रास्ते पर चल पड़ेंगे तो आपको खुद दिखाई पड़ेगा कि जो कल आपको अंधेरे दिखाई पड़ रहे थे उसी के बीच से आपका रास्ता निकलता हुआ जा रहा है। और एक वक्त आएगा कि आप स्वर्णिम मंजिल पर पहुंच जाएंगे और उस चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों आज जो मैं आप लोगों को मूल मंत्र दे रहा हूं वो ये कि अगर आपको सफलता पानी है तो आपको शुरुआत करनी ही होगी, और उसके लिए कमर कस लीजिए। अंजाम की परवाह मत करिए, संसाधनों की परवाह मत करिए। कई बार जब आपके इरादे बहुत ताकतवर होते हैं, कई बार जब आपका डिटर्मिनेशन बहुत पावरफुल होता है, तो संसाधन अपने आप आकर जुड़ जाते हैं, लोग अपने आप आकर जुड़ जाते हैं, रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं, बशर्ते रास्ते वेट करते हैं कि कौन वो साहसी व्यक्ति होगा जो इन पर चलेगा। तो चलना शुरू करिए। आज आप जिस परिस्थिति में भी हैं, जहां भी हैं, जो भी संसाधन हैं, जो भी हालात हैं, उनको जोड़िए और अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए। देखा जाएगा जो होगा। इसमें जो है एक यूपीएससी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सब कुछ जीतने के लिए है, ये विन विन सिचुएशन है। तो आज से मैं उम्मीद करूंगा कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो जो साहसी हैं, वो जो सपने देख सकते हैं, वो अपनी शुरुआत को कर देंगे। कोई भी परिवर्तन आपको करना है, सुबह जल्दी उठना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मेडिटेशन करना है, पढ़ाई के घंटे बढ़ाने हैं, आंसर राइटिंग शुरू करना है, टेस्ट देना है, इन सभी में एक घबराहट हो रही होगी, आज नहीं कल करते हैं, कल नहीं परसों करते हैं, इनको शुरू कर दीजिए। टुमारो नेवर्स कम, आज से शुरुआत कर दीजिए। और एक बार जब आप शुरुआत कर देंगे तो डेफिनेटली अगर उस पर आप चलते रहेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। और ओजांग आईएएस एकेडमी का लगातार यही प्रयास है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। ज्यादातर लोग इस वजह से अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो शुरुआत करने से डरते हैं, वो एजम्पशंस करते रहते हैं कि मैं हार गया तो क्या हो गया, मैं फेल हो गया तो क्या होगा। इन सभी डर से बाहर आ जाइए और शुरुआत करिए। कई बार लोग कहते हैं सर मेरे पास गाइडेंस नहीं है, कोई कार्य योजना नहीं है, कोई वर्क प्लान नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं। एक्चुअली में ये वो बहाने हैं जो आपको आपकी सफलता से दूर रखते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप शुरुआत करिए। आज आप एक किताब से शुरुआत करेंगे, कल दूसरी किताब की तरफ बढ़ेंगे, परसों चौथी किताब की तरफ बढ़ेंगे, अच्छे टीचर आपके साथ जुड़ते जाएंगे, अच्छे दोस्त आपके साथ जुड़ते जाएंगे, और आपका कारमा बनता चला जाएगा और आप अपना सफलता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। सो दोस्तों आज से कोई भी अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे व्यक्तित्व हो, और चाहे आपकी पढ़ाई हो, शुरुआत करिए।
राइट। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी से कि आप जो है अपने जीवन के किसी भी कोर क्षेत्र को पहचान कर उसमें शुरुआत करना शुरू करेंगे, किताब को पढ़ना शुरू करेंगे, अपने जीवन को बदलना शुरू करेंगे, तो सफलता आपके हिस्से में आएगी। तो दोस्तों लगे रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स हम तक जरूर भेजते रहिए, क्योंकि यही जो आपके प्रश्न हैं यही वीडियोज के रूप में आपके सामने आते हैं। तो इस यात्रा को हम जारी रखते हैं, अन्य किसी प्रश्न के उत्तर के साथ जल्दी मैं आपका हाजिर होऊंगा। आपका गाइड ओजान, धन्यवाद।